नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार में गड्ढों की हालत हर कोई जानता है। हर दिन एक सवाल यही आता है कि सड़क में गड्ढे है कि गड्ढों में सड़क है। वसई विरार महानगर पालिका को कई बार शिकायतें की जा चुकी है। इसी कड़ी में एक और शिकायतकर्ता भी बढ़ गए। दरअसल वसई के शिवसेना व्यापारी संगठन तालुका प्रमुख संजय गोपीलाल जैन ने आज वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त को गड्ढों के सिलसिले में पत्र सौंपते हुए गड्ढों के पेचवर्क के जल्दी से जल्दी पूरा करने की मांग की। आगे वीडियो में आप सुनिए संजय गोपीलाल जैन के बयान को, क्या कुछ उनका कहना है इन गड्ढों को लेकर और क्या उन्होंने पत्रव्यवहार किया। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आपने आप जो पत्र दिया, किस वजह से, किस संदर्भ से दिया? नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं संजय गोपीलाल जैन, व्यापारी मंडल शिवसेना तालुका प्रमुख। आज हमने जो वसई विरार क्षेत्र में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, उस गड्ढे के संदर्भ में आज मैंने वसई विरार आयुक्तालय में जाकर आयुक्त साहब अनिल जी पवार से सप्रेम भेंट की और उन्हें इन गड्ढों के बारे में अवगत करवाया। वहां जाकर जब मैंने आयुक्त साहब से मुलाकात की तो आयुक्त साहब से बोला मैंने कि वह नाला सोपारा पूर्व स्टेशन से लगाकर विरार पूर्व स्टेशन तक जो इलाके आते हैं, जैसे कि तुलिंज रोड, ओसवाल नगरी, प्रगति नगर, नागिनदास पाड़ा, मोरेगांव, विजयनगर, रहमत नगर, ये सभी इलाकों में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। उस गड्ढों की वजह से इन इलाकों में कम से कम 7 से 8 बड़े स्कूल हैं, जहां पर रोज हजारों बच्चों का आना जाना रहता है। जब स्कूल छूटता है तभी उनके माता पिता जब बच्चों को लेने आते हैं तो उस खड्डे के अंदर एक दो बार बच्चे भी गिर गए। ये बात मैंने आयुक्त साहब से कही और आयुक्त साहब ने बहुत बड़ा आश्वासन मुझे दिया कि 3 से 4 दिनों में ये गड्ढे हम भर देंगे, क्योंकि बारिश बहुत है, बारिश की वजह से ये गड्ढे हुए हैं। पर हम हमारे अधिकारी को बोलकर ये गड्ढे जल्दी से जल्दी हम 2 से 3 दिन के अंदर हम इसको सही करवा देंगे। आयुक्त साहब से मैंने पत्र व्यवहार किया, पत्र में मैंने आयुक्त साहब को ये पत्र दिया। इस पत्र में मैंने मेंशन किया है कौन कौन से एरिया में कहां कहां बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप देख सकते हैं, आयुक्त साहब को मैंने चित्र भी निकाल के बताया। ये चित्र है, देखिए, नागिनदास का, विजयनगर का, रहमत नगर का, प्रगति नगर का, अपना मनवेलपाड़ा का, विजयनगर का, सब तरह का। विजयनगर में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके सामने भी इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो ये आयुक्त साहब ने देखा और आयुक्त साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि 3 या 4 दिन के अंदर हम ये गड्ढे भर देंगे और किसी को परेशानी नहीं होगी। मैं आयुक्त सर से एक ही विनती करना चाहता हूँ, उनके अधिकारियों से जल्दी ये गड्ढे भरने का काम करें और यहाँ की जो आम जनता है, जिन बच्चों के माता पिता को जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ ना हो, और ये गड्ढे भर जाएंगे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। बस यही मैं अपने पत्र के माध्यम से मैंने आयुक्त सर को ये अवगत कराया है। आयुक्त सर ने हमें आश्वासन दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।